प्रधानमंत्री कार्यालय बा पीएमओ रो वेबसाइट रे सरकार और प्रशासन केमिति कार्य करिवो तार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दुईटी दिग कौन से नहीं नरेंद्र मोदी निर्देश मध्य कौन एक बड़ बड़ अक्षर रे लेखा जाइछि एवं अपलोड कराइछि। से दुईटी प्रसंग कौन गोटी हला ट्रांसपेरेंसी बा स्वच्छता अन्यटी हला अकाउंटेबिलिटी बा उत्तरदायी। आज जो प्रसंग को लेकिन आलोचना से प्रसंग हूँ मोदी प्रशासनिक कार्यशैली दर्शन को किभली भाव धज्जिया उड़ाई। से प्रसंग हूँ भारत सरकार आईटी विभाग एक विराट बड़ घोटाला को लेकिन रविशंकर प्रसाद का इस्तफा पर सामना को आसी शह शह कोटी टंकार आईटी स्कैम जो थी ना अच्छी मोदी से ट्रांसपेरेंसी ना अकाउंटेबिलिटी मंत्र ए घोटाला को धरी सीएजी आ कांग्रेस यहाँ को लेकिन घेरी भारतीय जनता पार्टी को एवं आसतु जाणी पूरा प्रसंग कौन आईटी मंत्री पदर हठात इस्तफा देवापर एवं बिवाद घर को आसी रविशंकर प्रसाद सीएजी मध्यकालीन रिपोर्ट आधार रे कांग्रेस अभियोग करी जे अनियमितता जगु केन्द्र आईटी मंत्रालय भारत नेट कार्यक्रम शिथिल पड़ी। ए घटना रे पूर्वतन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का भूमिका थिबा दर्शाई मुख्य विरोध दल कांग्रेस दल पक्ष उच्चस्तरीय तदंत दाबी कराई तेबे कांग्रेस रो अभियोग परे सरकार तरफ कौन सी एजाए प्रतिक्रिया मिली ना। कांग्रेस मुखपात्र रणदीप सुरजवाला ट्वीट करी कही चुनती जे इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति मंत्रालय सीएजी रिपोर्ट रे अनियमितता थिबा दर्शाई। से प्रश्न करी चुनती जे टेलीकॉम विभाग एवं भारत सरकार बिना टेंडर रे चुक्तिनामा प्रदान करी थिले कि कौनसी आनुष्ठानिक चुक्ति बिना कोटी कोटी टंका प्रदान करा जाई परिबो कि एथिपाई किए दायी। सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री उत्तर यार देबे कि ए प्रश्न पचार छि सीधा सल भावे कांग्रेस रिपोर्ट अनुजाई सीएजी रिपोर्ट रे बिहार रे एक मामला उल्लेख करा जाई जेउठारे एक सरकारी चुक्तिनामा होइतिबा काम पई बिना टेंडर एक घरोई कंपनी को दिआइतला। या संपर्क रे दलर मुखपात्र पवन खेरा कहिसेंति जे सीएजी रा मध्यकालीन रिपोर्ट रे स्पष्ट भावे कहा जाउछि जे जुलाई 2019 रु डिसेंबर 2020 पर्यंत ए मंत्रालय अधीन रे फाइबर केबुल रो रक्षण बेक्षण तथा परिचालन पाई कोटी कोटी टंका सीएस पक्षरु प्रदान करा जायछि। यास समस्त बेसरकारी कंपनी गुड़ी को यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड रे सहयोग करबा को पड़िबो। सीएजी रिपोर्ट रे कहा जायछि जे भारत नेट रो कार्य रे विलंब हेतु यूएसओएफ एवं सीएससी उपरे दंड विधान करी पारिबो नाही। सेवा चुक्तिनामा अभाव रु सीएससी को कोनोसी प्रतिबंधक लगा जाई पारिबो नाही। या सहित जदि कोनोसी भूल रहिछि यार संशोधन पाई समय सीमा मध्य नथिला केवल सेतिक नुए डॉट पक्षरु सीएससी एवं एसपीबी एवं यार संपूर्ण मालिकाना संस्था सीएससी वाईफाई चोपाल सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माध्यम रे घरोई कंपनी गुड़ी को चुक्तिनामा प्रदान करुछि। एक घरोई संस्था केवल सरकारी परिसर रु काम करूनाई बरम अशोक स्तंभ रखी एक सरकारी कंपनी रो भ्रम सृष्टि करुछि। एभली अभियोग कांग्रेस सीधासळख भावे भारतीय जनता पार्टी पूर्वतन आईटी मंत्री सीधासळख भावे अभियोग करुछि। ए माध्यम रे कोटी कोटी टंका लुटी नेथबा कांग्रेस अभियोग करिबा परे एबे भारतीय जनता पार्टी पक्षरु ए जाय यार जवाब मिली परना। टेलीकॉम मंत्रालय चलीथबा एभली घोटालार उच्च स्तरीय तथा निरपेक्ष तदंत हेबा उचित बोली कांग्रेस दाबी करिछि। एटी प्रश्न उठुछि स्वच्छता साधुता और श्रेष्ठ भारत रो स्लोगान देउथबा मोदी सरकार भितरे किभली अंधाधुन घोटाला चलीछि आईटी स्कैम केवल ट्रेलर मात्र अपेक्षा करंतु 24 पूर्वरु पूरा फिल्म
छोट पर्दार नुहे बड़ पर्दार भी चलो। नमस्कार।